आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासी समाज ने परासिया में मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि भी शामिल हुए। रैली का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। जहां एक ओर विधायक सोहन वाल्मीकि आदिवासी समाज की रैली में शामिल होकर एकता का परिचय दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार ने आदिवासी समाज के साथ अलग रैली निकालकर आदिवासी समाज को एक भवन देने का वादा किया। और साथ ही उन्होंने सरकार से अपील भी की, कहा कि मध्य प्रदेश में मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि अन्य प्रदेशों के मामले यहां मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मेरे सगा समाज के कारण जिला पंचायत का अध्यक्ष हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का साथ में देता, लेकिन मेरा एक और कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत झुर्रे में है, वहाँ पर आदिवासी समाज के लिए मैंने मंगल भवन दिया हूँ, उनके साथ मुझे बैठना है। आप लोगों का साथ दिया, समय कम था मेरे पास, फिर भी आप लोगों का उत्साह देख के मैं आपके साथ यहाँ तक आया। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस समाज ने मेरा साथ देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इस समाज को कभी कोई धोखा नहीं मिलेगा, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। नारा मेरे साथ बोलिएगा, जय जोहार का नारा है, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।